दोस्तों, इसराइल फिलिस्तीन की जंग जो है वो पांचवें दिन की तरफ बढ़ चुकी है और पांचवें दिन की सबसे बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है, जहां जंग में हमास के जाबाज लड़ाकों ने इसराइल को पूरी तरीके से इस जंग में धूल चटा रखी है। वहीं हिजबुल्ला ने भी पसीने छुड़ा दिए हैं, खासतौर पर इसराइल के जो अपने आप में सबसे बड़ा मजबूत होने का दावा किया करता था। और स्क्रीन पर इस वक्त ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर से बखूबी दुनिया वाकिफ है। और ये वो चेहरा है चेचनियों के कमांडर रमजान कादिरोव का, जिसने यूक्रेन को धूल चटा दी है और इस जंग में किस तरीके से यूक्रेन को घुटने पर लाने का काम भी चेचनी सैनिक रमजान कादिरोव द्वारा किया गया। ये चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है और ये चेहरा भी बखूबी दुनिया वाकिफ है कि कैसे अमेरिका से लोहा ले रखा है और आंख में आंख डाल करके अमेरिका को उसकी हद में डाल रखा है। एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, तो दूसरी तरफ हैं रमजान कादिरोव। दोनों की ही इस जंग में एंट्री हो चुकी है और एंट्री भी इस कदर हुई है कि इस जंग को, और अगर ये तस्वीर सामने आती है रमजान कादिरोव की बात अगर पुतिन द्वारा मान ली जाती है, तो ये जंग में वो होने जा रहा है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। चेचनीय सैनिकों की एंट्री जो है इस जंग में होने जा रही है, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है। और लोग साफ तौर पर कहेंगे कि भैया कुछ भी आकर के बोल करके जा रहे हो, विद प्रूफ दिखाएं, तो विद प्रूफ ही आपके सामने रमजान कादिरोव का वो बयान रखने जा रहा हूं। पहले इस बयान पर नजर डालिए जो खास तौर पर इस जंग की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है। Который сегодня происходит на территории Палестины и Израиля. Я хочу мировое сообщество призвать, чтобы хотя бы жизненно он один раз справедливо отнеслись в эту ситуацию. 50 лет назад было то же самое там. Особенно хочу призвать мусульманских стран, чтобы они вмешались, создали коалицию и призвали своих друзей, европейцев, Запад, чтобы они не бомбили города, где живут мирные жители. Они знают, что там не находится. जो कि आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, रमजान कादिरोव ने रशियन भाषा में जो कहा उसका मतलब ये है कि हम पुतिन से ये अपील करते हैं और सरकार हमें ये इजाजत देती है तो हम इसराइल फिलिस्तीन जंग में पीस कायम करने में कामयाब रहेंगे और हम इजाजत चाहते हैं कि हमें इस जंग में भेजा जाए और मैं रमजान कादिरोव फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ हूं, क्योंकि जिस तरीके से मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही हैं इसराइल द्वारा, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और अगर आप मजलूम फिलिस्तीनियों की जो ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है उसे नजरअंदाज कर सकते हैं तो ठीक है, करिए, पर कोई भी मुसलमान मस्जिद अल अक्सा के ऊपर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां हम सजदा करते हैं उस जगह पर इसराइल के आतंकी सैनिक जो हैं बम बरसा रहे हैं और ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जो है अगर हमें इजाजत दी जाती है तो हम चेचनीय सैनिक जो हैं इसराइल को घुटने पर लाने का काम करेंगे, जैसे हमने यूक्रेन के साथ किया था वही हम करने जाएंगे इसराइल के साथ।
जो कि रमजान कादिरोव का ये बयान इज़राइल फिलिस्तीन की जंग के पांचवें दिन सामने आया, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने महज 15 घंटे पहले इसे अपडेट किया और लिखा कि चेचेनियस कादिरोव वॉइस सपोर्ट फॉर फिलिस्तीन ऑफर्स टू सेंड पीस कीपर्स। अगर हमारा समर्थन जो है, हम पूरी तरीके से फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और हम हमास के लड़ाकों ने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि ये तस्वीर लगातार देखी गई कि इसी तरीके से जुल्म और ज्यादती की इंतहा पार की जाती थी इज़राइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, जो कि इंटरनेशनल मीडिया ने क्या कुछ छापा जो कि आपके सामने है। इसी में आपको बता दें कि चेचन नेता रमजान कादिरोव ने सोमवार देर रात फिलिस्तीन के लिए समर्थन जताया और इसराइल और हमास समूह के बीच संघर्ष में मध्यस्थता के लिए अपने सैनिकों को भेजने की पेशकश की है। कादिरोव ने कहा कि मैं मुस्लिम देशों के नेताओं को संबोधित करता हूं, एक गठबंधन बनाएं और उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें आप मित्र कहते हैं यूरोप और पूरे पश्चिम में, ताकि वे हमास लड़ाकों को बहाने शांतिपूर्ण नागरिकों पर बमबारी ना करें। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर साझा की गई एक पोस्ट में है, जो कि साफ तौर पर मुस्लिम देशों को भी हिदायत दी है कि अगर आप सच में फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, मस्जिद अल अक्सा के साथ खड़े हैं, तो बिना डर के तमाम उन देशों से जाकर के मिलिए और प्रेशर बनाइए उस गवर्नमेंट के ऊपर, उस देश के ऊपर जिसे आप अपना मित्र कहते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर के बिना जो है ये तस्वीरें सामने नहीं आती। यानी कि साफ तौर पर अगर मुस्लिम देश व्लादिमीर पुतिन से बात करें तो इस जंग की तस्वीर जो है वो पलट सकती है, जो कि साफ तौर पर कहा गया है रमजान कादिरोव द्वारा। और रमजान कादिरोव ने इस बयान में यह भी कहा कि जो हम लगातार देख रहे हैं कि हमास के बहाने मजलूम आम शहरियों के ऊपर जो बम बरसाए जा रहे हैं, उसके लिए आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। जहां हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और हम इस युद्ध के खिलाफ हैं जो अन्य संघर्षों के विपरीत किसी संघर्ष में बदल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आवश्यक हो तो हमारी इकाइयां व्यवस्था बहाल करने और किसी उपद्रवियों को मुकाबला करने के लिए शांति सेना रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। चेचन नेता की टिप्पणी के बारे में मंगलवार को पूछे जाने पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री संवाददाताओं से कहा कि रूस ने फिलिस्तीन इसराइल दोनों के साथ संबंध बनाए रखना जारी रखा है। पेस्कोव ने कहा कि फिलिस्तीनियों के साथ हमारे लंबे समय से ऐतिहासिक संबंध हैं, हम अपने संघर्ष जारी रखते हैं, लेकिन साथ ही इसराइल राज्य के साथ भी हमारे संबंध हैं जिनके साथ हमारे बीच बहुत सारी समानताएं इसराइल में रहने वाले रूसी नागरिकों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए शनिवार को हमास लड़ाकों के जिस तरीके से हमले किए इसराइल के अंदर, वो यकीनन काबिले तारीफ कदम था, क्योंकि ये जंग की तस्वीरें सामने आई। और इसी बीच जब ये मैसेज सामने आया तो इसराइल की तरफ से चेचनीय सैनिकों को भड़काने की कोशिश की गई ताकि इस जंग में जो है इसराइल को समर्थन मिल सके रूस का। जहां विदेश मंत्रालय की तरफ से इसराइल की साफ तौर पर कहा गया कि हमास स्ट्राइक्स मॉस्को नेम्ड आफ्टर चेचन लीडर नियर जेरूशलम इसराइल, जो कि साफ तौर पर कहा गया कि 15 घंटे पहले और उससे पहले जो है यह खबर सामने आती है इंटरनेशनल मीडिया द्वारा कि जो हमास के लड़ाके हैं उन्होंने चेचनीय सैनिकों की मस्जिद, जो खास तौर पर जेरूशलम में इसराइल में बनी हुई है, उस पर मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद ये भड़काने की कोशिश थी पर उसका असर बेअसर रहा, जो कि इस जंग में रमजान कादिरोव का खुल करके बयान सामने आया। और ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसे इसराइल के विदेश मंत्रालय द्वारा शेयर किया गया, बताया गया कि देखिए ऐसे जो है ये हमला किया गया।
और यहीं इसराइल ने शनिवार को औपचारिक रूप से हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जब उसने देश के खिलाफ अभूतपूर्व हमला शुरू किया। परिणाम स्वरूप तक 1200 से अधिक लोग तेल अवीव में। रूस दूतावास ने सोमवार को कहा कि हमले के बाद से कम रूसी नागरिक मारे गए हैं और 4 लापता हैं। रूस ने इसराइली फिलिस्तीन बलों के शत्रुता समाप्त करने के लिए कहा, फिलिस्तीन और इसराइली पक्षों से तुरंत युद्ध विराम करने को कहा, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और इस जंग में जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, जिसका खासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को अंदाजा नहीं था, वो तस्वीर अब दुनिया के सामने आ चुकी है।